दोस्तों कोलकाता और गुजरात की टीम के बीच में ऐसा सांस रोक देने वाला अंतिम ओवर चलिए आपको हम दिखाते हैं, जिसमें दोस्तों रिंकू सिंह ने ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। जी हां दोस्तों, कोलकाता को जीतने के लिए 6 गेंद में 29 रन चाहिए थे, जो कि दोस्तों इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। दोस्तों पहली गेंद पर स्ट्राइक पर थे उमेश यादव और उन्होंने सिंगल रन लेकर स्ट्राइक पर थमाई रिंकू के हाथों में। उसके बाद दोस्तों रिंकू सिंह ने दूसरी गेंद पर एक शानदार सिक्स लगाते हैं, तीसरी गेंद पर भी सिक्स लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों दो सिक्स लगाने के बाद भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम जीत भी पाएंगे, लेकिन दोस्तों और रिंकू सिंह ने बैक टू बैक 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई।